गरीब बनाना तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। सो दोस्तों, स्वागत है आपका किक फैक्ट चैनल के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, और मैं आपको गरीबों के मेंटेलिटीज को बताऊंगा जो आपको गरीब बनने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो गरीब बनना है ना तो वीडियो को देखो। और इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपको बताने वाला हूँ वो दो बुक्स से हैं। फर्स्ट है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टेड पीपल, और सेकेंड है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर आप टीवी ज़्यादा देखते हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपका फेवरेट टीवी सीरियल भी है और आप उसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करते तो क्या कहने, इस टीवी सीरियल से आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, उल्टा नेगेटिविटी आती है। इसके नेगेटिव कैरेक्टर आपको अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों में दिखने लगते हैं। अगर वो वैसे नहीं भी हैं तो आपको लगता है ये सीरियल वाले जैसे या जैसा ही है। टीवी सीरियल्स टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, नेगेटिविटी तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ हमारी मेंटेलिटी को भी गरीब बना रहे हैं। अमीर सोच वाले लोग टीवी देखने की जगह टीवी पर आना पसंद करते हैं। सेकेंड, अपने फेलियर की जिम्मेदारी दूसरों पर डालो, खुद को हमेशा निर्दोष मानो, चाहे हम दोषी क्यों ना हो। आप ये कहो, मेरे साथ बुरा हो गया किसी दूसरे की वजह से, मुझे जॉब नहीं मिल रही कंपटीशन की वजह से, मैं फेल हो गया हूँ, टीचर अच्छी नहीं थी वो पास हो गया क्योंकि टीचर उसकी रिलेटिव थी। जब भी किसी भी काम में फेल हो जाओ तो उसे वहीं छोड़ दो, ना कि आगे बढ़ो, यही चीज़ें आपको गरीब जरूर बनाएगी। वहीं अमीर लोग अपनी फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, गलती करके उससे सीख लेते हैं, आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, और तब तक ट्राई करते हैं जब तक वो कामयाब ना हो जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दो। नंबर 3, दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों से जलो, ये मेंटेलिटी आपको गरीब बनाने में काफ़ी पुश करेगी। जब भी कोई अच्छी कार सामने से गुजरे तो सोचना, ये कार तो पक्का उसने 2 नंबर के पैसों से खरीदी होगी। किसी का बड़ा घर देखकर ये सोचो, अरे ये तो उसने ससुराल के पैसों से बनाया होगा। वहीं अमीर मेंटेलिटी वाले लोग ये देखकर मोटिवेट होते हैं और कार देखकर कहते हैं एक दिन मैं भी ज़रूर खरीदूंगा, घर देखकर भी यही सोचते हैं। नंबर 4, शो ऑफ, ये मेरा फेवरेट है। मान लो आपकी सैलरी 15,000 है पर आप फ़ोन 30,000 वाला लो, पर आप ये चमत्कार करोगे कैसे, अरे किसी से उधार ले लो, लोन पे ले लो। पर आप तो 15,000 के आसपास वाला फ़ोन भी ले सकते थे, पर 30,000 वाला क्यों, दिखावे के लिए, अमीर दिखने के लिए, वो भी उसके सामने जो आपके ही जैसे गरीब हैं। आप ये चाहो कि जब आप अपने ही जैसे गरीब लोगों से मिलो तो आप अमीर लगो, जब आप फ़ोन निकालो तब वो कहें वाह भाई क्या फ़ोन है तेरा। और सिर्फ अमीर दिखने के लिए ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते एक्सेट्रा एक्सेट्रा खरीदो, ये सोच आपको अमीर दिखने और गरीब बनने में काफ़ी हेल्प करेगी। नंबर 5, मजाक उड़ाना, ये गरीब माइंडसेट वाले लोगों की बेस्ट हैबिट है। आपके आसपास ऐसे लोग जरूर होंगे जो अपनी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे, जहाँ पहले थे अभी भी वहीं हैं, पर उन्हें दूसरों को मजाक बनाना काफ़ी पसंद होता है और अपने आप को कभी देखते ही नहीं हैं, और वो ये सोचते हैं कि मैं तो सबसे होशियार हूँ, पर वो गलत होते हैं। अब मैंने आपको गरीबों के 5 माइंडसेट को बता दिया, और अब ये आप पर डिपेंड करता है कि इसे आप पॉजिटिव वे में यूज़ करते हो या नेगेटिव वे में। और अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो में जेब से गरीबों की नहीं बल्कि सोच से गरीब होने की बात कर रहा था। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए किक फैक्ट को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और डिसाइड कर लें आपको अमीर बनना है या गरीब, इसे कमेंट में ज़रूर बताएँ। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching this video.